नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे टेरेस पे, हमारे गार्डन में लगे वेजिटेबल्स में फीमेल फ्लावर्स तो बहुत आते हैं, पर वो मैच्योर होने से पहले ही सूख जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है और उसे हम कैसे बचाएंगे? इससे पहले, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि किस प्रकार और क्या रीज़न होते हैं कि हमारे पौधों पे लगे फीमेल फ्लावर्स पीले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं और वो सड़कर ख़राब होकर गिर जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे इस तरह। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हमारे वेजिटेबल प्लांट्स में फ्लावरिंग तो बहुत होती है पर फ्रूटिंग उस प्रकार नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, इसके पीछे के कुछ चार पांच खास रीजंस हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों से आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगा और उसके उपाय बताऊंगा। इसके पीछे का दोस्तों पहला रीज़न होता है कि हमारी जो गार्डन सॉयल होती है, हमारी ग्रो बैग्स में जो मिट्टी हमने भर रखी होती है, उसका न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ना होना। चूँकि दोस्तों, हम गार्डन से ग्रो बैग्स में गार्डनिंग करते हैं तो इसमें मिट्टी बहुत कम होती है पौधों के लिए, अपनी जड़ों को विस्तार फैलाने का बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं होता है। तो जो हम अलग से न्यूट्रिएंट्स देते हैं, पौधे उसी पे ग्रोथ करते हैं। तो अगर हमारे ग्रो बैग की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो पौधे हमारे फल तो निकलेंगे लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होंगे, मैच्योर नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें टाइम टाइम पे कंपोस्ट देते रहना है अपने ग्रो बैग्स में, मिट्टी में, जो कि काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं दूसरी बात पर। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि हमारा गार्डन जो है वो टेरेस गार्डन, चूँकि हम टेरेस पे करते हैं तो यहाँ धूप, गर्मी और हवाएं बहुत तेज़ होती हैं, जिनकी वजह से फल पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है और वो बहुत तेज़ होता है। इनमें कोई मॉइस्चर नहीं मिल पाता, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। तो ये दूसरा रीज़न होता है पौधों के फलों का ख़राब होना। अब तीसरे रीज़न की बात करें तो जो हमारा टेरेस गार्डन है उसमें मधुमक्खियों का, कीट पतंगों का ना आना भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारे पॉलिनेशन पौधों में नहीं हो पाता है। तो अगर आपके गार्डन में भी कोई कीट पतंगे या मधुमक्खियाँ नहीं आती हैं तो आप उससे बचने के लिए हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं सेल्फ। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये मेरा करेले का पौधा है जिसमें ये आपको दिख रहा है, ये मेल फ्लावर है। तो आप एक मेल फ्लावर तोड़ लीजिए और इसकी जो पत्तियां हैं इन्हें हटा लीजिए। इस प्रकार से अब आप अपने फीमेल फ्लावर पे जाइए। फीमेल फ्लावर पहचानने का तरीका होता है कि पीछे, उसमें फ्लावर के पीछे फल लगे होते हैं। तो जो आपका मेल फ्लावर है उसके टिप से फीमेल फ्लावर के टिप पे इस प्रकार आपको टच करना है। एक दो बार इस पर टच करके आपको छोड़ देना है। ऐसा एक मेल फ्लावर से आप से दो से तीन ही फीमेल फ्लावर पर पॉलिनेशन करें, ज़्यादा नहीं। तो इससे आपके फ्रूट्स की मैच्योरिटी की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों, एक और कारण होता है फ्रूट के सड़ने का, गिरने का, अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग। जब हम अपने टेरेस पे आते हैं तो हम अपने पौधों में ये नहीं देखते कि पौधे को ज़रूरत है या नहीं, हम वाटरिंग कर ही देते हैं। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि जब हमारे पौधे की मिट्टी अभी सूखी, गमले की मिट्टी अभी सूखी नहीं होती और हम उसमें वाटरिंग कर देते हैं तो जो रूट्स होते हैं उनमें डिजीजेज होने लग जाती हैं,
ओवर वाटरिंग से। तो ओवर वाटरिंग की वजह से फिर हमारे पौधे, हमारे फ्रूट्स पीले पड़ने लगते हैं और गिरने लगते हैं। और अंडर वाटरिंग की हमारे पौधे की जड़ों को वाटर नहीं मिलता है, और जब वो ड्राई होते हैं, सूखते जाते हैं, उन्हें अपने लिए वो भोजन नहीं तैयार कर पाते हैं, तो भी फिर हमारे फ्रूट्स सूखते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं। तो हमें अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग दोनों से बचना है। इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें अपने गमले की मिट्टी को इस प्रकार खोद के 1.5 से 2 इंच के आसपास देख लेनी है। अगर मिट्टी ड्राई है तो ही इसमें वाटरिंग करें, अदरवाइज नहीं। इसके बाद दोस्तों एक और जो खास समस्या होती है कि जब हमारे फल लग रहे होते हैं तो उनमें छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप के जीवाणु होते हैं जो उस पे आके बैठते हैं और उसमें छेद करके फल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि चींटियां हैं, देखिए कितनी सारी, और पत्तों के नीचे आप देखिए इन्होंने पूरा घर बना रखा है। तो दोस्तों आपको इन सब से बचने के लिए 15 दिन पे एक बार नीम ऑयल का स्प्रे अपने पत्तों पे, अपने पूरे पौधे पे ज़रूर करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनसे आप अपने फीमेल फ्रूट्स के कन्वर्जन रेट को, मैच्योरिटी रेट को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।